हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल सिंपल वे टू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही झटपट और बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाए हैं, जो कि है पनीर की भुर्जी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। आप ये देख सकते हैं, ये देखने में इतनी लाजवाब, इतनी टेस्टी है, तो खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बहुत ही कम सामान से बन के तैयार हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको झटपट बनाने का तरीका देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई को आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने तेल डाला हुआ है, उसमें मैंने जीरा को तड़कने के लिए डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने 3 मीडियम आकार के प्याज को बारीक चॉप्ड कर लिया है। और ये आपको ध्यान रखना है कि आप पनीर की भुर्जी बना रहे हैं तो आपको प्याज भी भुर्जी के हिसाब से ही बारीक कट करके लेना है। यहाँ पे मैं ये लाइट गोल्डन होने तक मैं प्याज को भूनूंगी। जब मेरा प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे 1 बड़े चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी, जो कि वो दरदरा कूटा हुआ है, मैंने बारीक नहीं कूटा है। यहाँ पे अब हम अदरक लहसुन और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब यहाँ पे हमारा प्याज और अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच, 1.5 बड़े चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर, 1 बड़े चम्मच पूरे भर के। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने दूसरे मिर्च का यूज नहीं किया हुआ है। ये पूरे मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च को डाल दिया है। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जिस चम्मच से मैंने, ये घर के ही यूज होने वाला चम्मच है, जो कि नॉर्मल घरों में आसानी से मिल जाता है, और उससे भर के मैंने 1 बड़े चम्मच गरम मसाला डाल दिया। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे छोटी कटोरी से हम इसमें पानी डालेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब इन्हें हम सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप कि मेरा तेल रिलीज हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे मसाले हो चुके, तो अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे मसालों में मटर डाल देंगे। ये नॉर्मली मटर है, ये फ्रोजन नहीं, इसलिए हम इसको पहले डालेंगे ताकि इनको गलने में थोड़े समय लगते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अभी इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो हमें रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम आकार के टमाटर को बारीक कट कर लिया है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको चलाते हुए टमाटर को मैंने एकदम पूरी तरीके से गला लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको चलाते हुए भी सारे टमाटर को अच्छी तरीके से ये पका लिया है। अब इस स्टेज पे जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, ये है बेसन। यहाँ मैंने जिस चम्मच से मैंने मसाला लिया था, उसी चम्मच से 1 चम्मच मैंने बेसन लेकर इसको भून लिया था। भूनने के बाद जब हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल गए थे, तो फिर उसमें मैंने ये भुने हुए बेसन को डाल दिया है, जिससे हमें बिल्कुल ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर इसमें आता है। अब इसको हम अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं हमारा अच्छी तरीके से मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पे आप इसमें बटर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी का यूज कर रही हूँ। मैंने प्रॉपर स्टार्टिंग से लास्ट तक मैंने 1 ही चम्मच का यूज करके दिखाया, ताकि आपको भी घर में नॉर्मल जो मिलने वाली चम्मच है, आप उससे यूज कर सको। अब यहाँ पे सारे मसाले एक बार फिर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ पे हमारा तेल और घी रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने हाथ से ही मैंने पनीर को जो क्रम्बल कर लिया है, और इसको हम फिर 2 से 3 मिनट ही हाई फ्लेम पे इसको भुनेंगे, ताकि
जो हमारा पनीर है वो मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसे अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि जो भी मसालों फ्लेवर हो हमारे पनीर में आ जाए, क्योंकि पनीर को ज़्यादा हम पकाते नहीं हैं, क्योंकि पनीर को वो प्रोटीन से भरपूर इंग्रेडिएंट है और उसको ज़्यादा पका देने पर उसका जो भी क्वालिटी है वो कम हो जाता है। आप ये देख सकते हैं हमारा पनीर भुर्जी बन के तैयार है। यदि हमारा आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।